ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे जो लोग हैं वो जेलों में नहीं है जो अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जेल में होने चाहिए। अगर उनको पता था कि एक्सीडेंट होना है तो बताया क्यों नहीं? सरकार को पूछना चाहिए भाई। सरकार अगर नहीं पूछ रही है तो कोई आदमी कोई भी स्टेटमेंट देगा देश के अंदर? ये सरासर गलत है। जो ये हादसा हुआ है ये सरकार का विफलता है, सरकार का फेलियर है। सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और पहले तो ये हुआ करता था जब हम बहुत छोटे छोटे थे कि अगर कोई भी रेल हादसा होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा देने का काम करता था। मगर आज की जो सरकार है ना तो उनमें नैतिकता बची है और ना ही वो देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं। जब देश में जो सरकार मौजूदा सरकार चल रही है उसके मिनिस्टर इवन यहाँ तक प्रधानमंत्री जी भी शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, धर्म के आधार पर वो लोगों को बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो उनके मिनिस्टर भी यही काम करते हैं। तो आज ऐसे जो बाबा हैं अंधविश्वासी जो बाबा हैं वो अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। जबकि अंधविश्वास किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास केवल इंसान को बर्बाद नहीं करता, वो इंसानियत को बर्बाद करता है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बर्बाद करता है। इंसानियत को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं और इंसानियत से इनको मोहब्बत नहीं है, इसलिए ऐसे बाबा कोई भी स्टेटमेंट देते हैं और उस पर पूरा देश अमल करने का काम करता है। ये धीरेन्द्र बाबा ने मजाक किया है, उसको वास्तव में जानकारी थी इस हादसे की? नहीं, देखिए वो तो हमेशा मजाक ही करता रहता है। वो देश के साथ मजाक कर रहा है, वो इंसानियत के साथ मजाक कर रहा है, वो संविधान के साथ मजाक कर रहा है, वो उन लोगों के साथ मजाक कर रहा है जो लोग भोले भाले हैं, जो नहीं समझ पाते हैं लोगों की चालों को, और सरकार उसका साथ दे रही है। जो इंसान अंधविश्वास को लगातार फैलाने का काम कर रहा है और सरकार उसको रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को भी पता है कि ये इंसान सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर वो हमारी वोटों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, और जब चुनाव होता है तो वोटों की फसलों को काटने का काम कौन करती है? बीजेपी काम करती है। तो बीजेपी को बाबा सूट करते हैं और बाबा को बीजेपी सूट करती है। तो बाबाओं के चक्कर में नहीं आना। हम बार बार बोलते हैं ये बाबा ढोंगी बाबा हैं, ये अंधविश्वासी लोग हैं, ये अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं। आप अपने बच्चों की अगर आज़ादी चाहते हैं तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलें, आप संविधान की बात करें, आप कानून की बात करें, आप समता मैत्रिक न्याय की बात करें। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। ऐसे बाबा कितने आए कितने चले गए। आसाराम बापू भी ऐसे ही बताते थे कि मैं भगवान का भैया हूँ, वहाँ भी लाखों की भीड़ आया करती थी। आज वो कहाँ हैं? आज वो जेल में है। राम रहीम भी ऐसे ही करते थे। जितने भी बाबा हैं ये बाबा जो हैं ये सरकार के पाले हुए बाबा हैं, ये सरकार के बनाए हुए लोग हैं। इस देश में एक ही बाबा आया है, वो हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने करोड़ों लोगों के लिए एक रास्ता दिया, करोड़ों लोगों के लिए अधिकार दिए संविधान के माध्यम से। आज करोड़ों लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बन सकते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की वजह से बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गुमराह करने का काम किया है देश को इस पूरे मामले पर, क्या इन पे कोई केस बन सकता है? नहीं बनना चाहिए। देखो केस करने वाले वही लोग हैं, उन्हीं की सरकार चल रही है, तो आप कैसे केस करेंगे बताइए? जो लगातार अंधविश्वास फैला रहा है, बड़े बड़े राज्यों में जाकर वहाँ पर अंधविश्वास फैलाने के बड़े बड़े वो मंडप लगाता है, लाखों करोड़ लोगों को बुलाता है, इनवाइट करता है, और उनके बीच में हिंदू मुसलमानों की बात करता है, उनके बीच में नफरत फैलाने की बात करता है, सनातनी की बात करता है, और सरकार उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो क्या ये सरकार का प्रायोजित लोग नहीं है? तो इन पर कौन FIR करेगा? FIR तो करने वाले लोग हैं। अगर 2024 में सरकार बदलेगी तो देश की दिशा भी बदलेगी, देश में न्यायप्रिय लोग आएंगे, देश में संविधान को पालन करने वाले लोग आएंगे, तो ऐसे बाबा जेल में होंगे जो अंधविश्वास को फैलाएगा। केवल यही नहीं है, ये शास्त्री नहीं, कितने और बाबा हैं जो अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, और आज से नहीं लूट रहे हैं, सदियों से लूटते आए हैं। ये धर्म का धंधा कभी नहीं बंदा, ये एक धंधा है और इन्होंने प्योर धंधा बना लिया है, क्योंकि इससे सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और इससे राजनीतिक प्रोटेक्शन भी मिलता है और राजनीतिक ताकत भी मिलती है। ऐसी खबरें फैली थी सोशल मीडिया पर। देखिए बीजेपी और RSS के सपने में भी हिंदू मुसलमान का सपना आता है उनको भी। जब यहाँ पर कोविड होता है तो कोविड में बोलते हैं कि मुसलमानों ने कोविड को फैलाने का काम किया। जब ऐसी कोई मस्जिद की बात होती है, ये एक फेलियर है सरकार का। कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर कोई भी घटना होती है तो वो सरकार का फेलियर होता है। यहाँ धर्मों की, किसी धर्म की या किसी अल्लाह या भगवान की कोई इसमें कोई कमी नहीं है। जिस देश में इतने सारे लोग रहते हों, इतने सारे धर्मों को मानते हों, इतने सारे अपने भगवानों को मानते हों, वहाँ पर ये कहना कि सिर्फ एक धर्म के लोगों की वजह से कुछ काम हो रहा है, ये सरासर गलत है। ये सरासर अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ने वाली बात है। ये जो हुआ है ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। दुनिया टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत आगे बढ़ रही है और भारत टेक्नोलॉजी के रूप में कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है।
पहले इनको हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिलेगी, जब तो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, लेकिन पहले इनको लड़ाई कराने से, नफरत कराने से या दंगे कराने से फुर्सत मिलेगी इनके लोगों को, जब तो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं है, देश को आगे बढ़ाना नहीं है, धर्म के काम पर करना है, क्योंकि धर्म से इनको वोट मिलती है और धर्म के नाम पर इनकी राजनीति चमकती है और धर्म के ये सौदागर है। लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया, जहां वो हादसा हुआ है वहां तो इस्कॉन मंदिर है। देखिए, वहां मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है या कुछ भी होता है, उसकी वजह से कभी भी इस देश में एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट हुआ है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ, उसकी जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो ध्यान नहीं देने का काम करती है। सरकार को लेना चाहिए ना नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये हमारी वजह से हुआ है। सरकार कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कोई। और आपने देखा होगा इस देश के अंदर जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के गरीब लोगों को, देश के जो अनपढ़ लोग हैं उनको भ्रष्टाचार का जो पूरा कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं उसके बारे में ये बताने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको गलत फहमी, जो गलत जो न्यूज़ है उन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये गलत न्यूज पहुंचाते हैं। लेकिन जो रेल मंत्री ने तो कहा था कि रेलवे में कवच है, उसका काफी प्रचार प्रसार भी किया था, क्यों नहीं कामयाबी मिली उस रेलवे कवच को लेकर? देखिए, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। बीजेपी के लोग जो कहते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोलता है और फिर उन वादों को पूरा नहीं करता है, तो देश के जो और मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। 2014 में जब आते हैं तो वो देश की जनता से वादा करते हैं कि इस देश में अब 2014 के बाद हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। क्या एक भी वादा पूरा हुआ है क्या? नहीं हुआ। और जुमला और बताते हैं तो ये देश के लोगों से मजाक करते हैं, केवल ये अपने दोस्तों को इस देश को लुटवा कर बाहर भिजवाने का काम कर रहे हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये धर्म पर राजनीति करते हैं और ये अपना स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। जो हजारों सालों से जो एक जाति के नाम पर केवल पैसा कमाती आई है, केवल अपना सम्मान लेती आई है, अब वो उसको नहीं छोड़ना चाहती है। देश में संविधान के माध्यम से करोड़ों लोगों को अधिकार मिला, करोड़ों लोगों को सम्मान मिला, रोजी रोटी मिली, उनको अच्छा रास्ता मिला, अच्छा जीवन जीने का उनको एक तरीका मिला, उस संविधान को लगातार ये कमजोर कर रहे हैं और संविधान को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इनकी मंशा है कि संविधान को खत्म किया जाए, जो संविधान करोड़ों लोगों को आजादी देता है। लेकिन जब नई रैली शुरू होती है तो मोदी जी खुद हरी झंडी दिखाते हैं वहां पर, वो उद्घाटन बहुत अच्छा करते हैं, वो नींबू से उद्घाटन करते हैं, वो कहीं ना कहीं नारियल फोड़ने का काम करते हैं, हिंदू रीति रिवाज से वो सारा काम करते हैं। अभी देखा नहीं उन्होंने, अगर नई संसद बनी है तो नई संसद में ब्राह्मणों को बुलाकर उसका उद्घाटन करने का काम किया है और सिंगोल को स्थापित करने का काम किया है। जिस देश में संविधान है उस संविधान को लागू करना चाहिए। संसद जो है वो डेमोक्रेसी का एक वहाँ पर एक उदाहरण है, डेमोक्रेसी वहाँ पर स्थापित होती है, तो वहाँ पर संविधान को स्थापित करना चाहिए था। संविधान तो स्थापित करा नहीं उन्होंने, हिंदुओं का सिंबॉलिक एक है जिसको सिंघोल बोलते हैं, उसको स्थापित करने का काम किया, तो ये सरासर गलत है। लेकिन जो हादसा हुआ है उसमें लाशों को जो है एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है, जबकि हमारे देश में गायों को एम्बुलेंस मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ये लोगों को देखना चाहिए, देश के लोगों को देखना चाहिए, देश के लोगों को ये ऐसी घटनाओं को देखकर जागरूक होना चाहिए कि इंसानों की यहाँ पर अहमियत क्या है और जानवरों की अहमियत क्या है। ये इंसानों को कोई अहमियत नहीं देते हैं और गाय के नाम पर लोगों को मारने का काम करते हैं। गाय को माता बोलती है और वो एक गाय सड़कों पर पिन्नी खाने का काम करती है। तो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, इनका जो प्यार है, इनका जो देशभक्ति है वो अलग प्रकार से है। तो क्या अमृतकाल में लाशों को जो है गाड़ी भी नहीं मिलेगी, कफन नहीं मिलेगी? ये अमृतकाल जो है यहाँ दलितों की मूछों पर दलितों को मार दिया जाता है, तो कैसे कहेंगे ये अमृतकाल है? यहाँ दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी जाती है। यहाँ पर रेल में इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो उनको क्रिमिनेशन भी सही नहीं किया जाता है। यहाँ लोगों के लिए सुविधा नहीं है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, यहाँ धर्म के नाम पर नफरत की जा रही है। समता मैत्री की जो बात करता है उसको झूठी FIR करके जेल में डालने काम करते हैं। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री जो है उसको जो सरकारें हैं वो उसको प्रमोट कर रही हैं और वो सरकार को प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली में ये सब धर्म का धंधा है, धर्म के नाम पर सरकार को एक प्रकार से संरक्षित किया जा रहा है और उसको आगे बढ़ाने का सरकार का काम है। जैसे अलग अलग जगह सरकार के लोग ही उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
तो वो बीजेपी का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा धर्म का काम करती है और हिंदू मुसलमान करके वो अपने वोटों की फसलों को लगाने का काम करती है, और फिर जब चुनाव होते हैं तो उस फसल को काटने का काम करती है। तो उनकी बातों पर तो क्या करना है, ऐसे